अभी क्लास 9th में है और डॉक्टर बनना है और नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, तो अपनी नीट की प्रिपरेशन जो है वो कब से स्टार्ट करें? तो मेनली नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्लास 10th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है जो है ऑनलाइन ऑफलाइन उनको ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद क्लास जो 10th है जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 11th और जो 12th 2 साल आपके पास होंगी जिनमें आप अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी जो प्रिपरेशन इन 2 सालों में बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर बाई चांस आप जो 11th और 12th में अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप क्लास 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि क्लास 12th के बाद आपको 1 साल का ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा जिसमें आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, और उस ड्रॉप ईयर के बाद आप जो आने वाली ईयर्स हैं उसमें नीट एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब ज़्यादातर यही सही रहता है कि आप क्लास 10th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स इधर कंप्लीट करोगे और उसके बाद जस्ट जो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप नीट एग्जाम को मतलब क्रैक करिए और अपने जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेके अपनी एमबीबीएस की डिग्री को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप क्लास 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है जिसमें बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करोगे और उसके बाद नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन लोगे और अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करोगे।